हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्री फेज मोटर का करंट आप कैसे कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे किलोवाट के हिसाब से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ड्राइव चल रहा है, वो उसका रेटिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं उसका रेटिंग है 90 किलोवाट 156 एम्पियर, इधर मेंशन किया गया है ऑलरेडी। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 90 किलोवाट का मोटर जो है 156 एम्प ही होगा, तो उसका कैलकुलेट हम लोग अभी करके देखेंगे। यहाँ आप वो ये मोटर अभी चल रहा है तो उसका करंट ले रहा है 51, 52, 53, पर ये हम लोग फुल लोड करंट को अभी आज कैलकुलेट करके देखेंगे और इसका आरपीएम और पोल कैसे पता करेंगे एक मोटर का, वो भी आज हम जानेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे, वो तो आप देखे थे 90 किलोवाट का मोटर है, ये हम लोग फुल लोड करंट इसका कैसे निकालेंगे। तो फुल लोड करंट निकालने से पहले हम लोग किलोवाट जो है, किलोवाट या एचपी कुछ भी, वो जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों को अभी किलोवाट पता है, तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा, ये है हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। ये हमारा जैसे आप करंट निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू रूट थ्री वी इंटू आई कॉस थीटा करके। तो P हम लोगों को अभी पावर जो है, P फॉर पावर, पावर तो हम लोगों को अभी पता है 90 किलोवाट है, 90 किलोवाट का जो मोटर है, तो 90 किलोवाट इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस थीटा करना है। तो P हमको मिल गया 90 किलोवाट। तो पावर को अगर निकालना है तो पावर को हम लोग वाट में अभी कन्वर्ट करेंगे। तो रूट थ्री का वैल्यू तो फिक्स है, रूट थ्री का वैल्यू है 1.732 और उसके बाद वोल्टेज हमारा है 415, क्योंकि ये थ्री फेज का मोटर है 415, और करंट हम लोगों को निकालना है। और यहाँ कॉस फाई जो है 0.8 जो है, यहाँ 0.88 यहाँ मेंटेन किया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.8 ही रहता है। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, 90 किलोवाट जो है हम लोग किलोवाट को अभी वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए किलो के हटाने के लिए हम लोग को अभी 3 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 90 किलोवाट के वाट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, 90 किलोवाट की जगह 3 जीरो हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो ये 90,000 वाट हो गया। तो अभी 1.732 करेंगे, 1.732 इंटू 415 इंटू आई निकालना है और आई इंटू 0.8। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आई निकालेंगे, तो आई क्या हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय, हम लोगों को ये जो है इसको गुणा करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं गुणा करता हूँ, देखिए 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8, तो हमारा आ गया क्या है, 575.024, ये हो गया 575.024 आ गया। तो I हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 575.025, करने से क्या आएगा अभी देखिए, 90,000 डिवाइडेड बाय 575.025, हमारा यहाँ आ गया देखिए 156 एम्प्स आ गया, 156.514। तो यहाँ आ गया हमारा देखिए 156.51, तो अप्रोक्सीमेट 156 जो लिखा है पैनल में, मैं पहले ही दिखा था आपको, तो उसका करंट देखिए 156 एम्प्स आ गया। ये है हमारा FLC का मतलब है फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट ऐसे पावर के कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। किलोवाट आपको अगर प्रेजेंट है तो आप करंट, थ्री फेज करंट जो है इसका, एक मोटर का फुल लोड करंट ऐसे निकाल सकते हैं।
अगर 6.6 केवी का भी निकालना है तो आप वोल्टेज की जगह जो 415 वोल्टेज है वहाँ आप 6600 वोल्ट डाल के आप करंट निकाल सकते हैं। पर करंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो P=√3VI cos θ में आपको निकल जाएगा। तो अभी जैसे कि आपको बताया था कि एक मोटर का हम लोग अभी पोल या RPM जानने के लिए कैसा पता करेंगे, देखिए RPM का जो फॉर्मूला है, देखिए RPM जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो RPM हम लोग निकालने का जो फॉर्मूला है RPM = 120 × 50/pole, ठीक है। ये 120 जो है वो फिक्स है, ये 50 जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है, 120 f/p एक्चुअल में होता है, तो 120 × frequency / pole। तो सपोज हम लोगों को अभी एक मोटर का RPM सपोज निकालना है तो पोल हमको पता होना चाहिए, या अगर पोल निकालना है तो RPM हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अभी निकाल सकते हैं। तो सपोज अभी एक 1500 RPM का एक मोटर है, तो आप देख सकते हैं सपोज यहाँ 1500 RPM का मोटर है, पोल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 120 × 50/pole। तो पोल हमको पता नहीं है तो क्या करेंगे, पोल जानने के लिए क्या करेंगे, 120 × 50/1500 कितना आएगा, पर 6000, इधर हो गया 6000, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1500, तो 1500 का 6000 गुणा करने से क्या आएगा हमारा, यहाँ देखिए देख सकते हैं, यहाँ तो 6000/1500 तो 4 आ गया। तो ये हो गया 4 पोल, मोटर का जो पोल है 4 आ गया। तो आप यहाँ जान सकते हैं कि ये मोटर का पोल जो है 4 है, तो 4 पोल मोटर है। तो जैसे कि हम लोग अभी 4 पोल का पोल जानने के लिए ये पोल या RPM कुछ भी हम लोग जान सकते हैं ये कैलकुलेशन। तो हम लोग अभी तो हम लोगों को RPM पता था तो पोल हम लोग निकाल के दिखा दिए, पर अभी हम लोगों को सपोज RPM जानना है, हम लोगों को पोल प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे। सपोज एक 6 पोल का मोटर है तो हम लोग कैसे अभी निकालेंगे RPM कैसे निकालेंगे। तो RPM का जो फॉर्मूला है ये देखिए, RPM = 120 × 50/pole। पोल जो है सपोज हम लोगों का 6 पोल है, हम लोगों को पोल पता है, RPM हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 120 तो सॉरी RPM क्या करना है, तो पोल तो हम लोगों को पता है, RPM इजी से निकल जाएगा, देखिए 120 × 50/pole। तो 120 गुणा करने से क्या होगा, ये हो गया 6000/6, तो कितना हो गया, 1000 हो गया आपका, देखिए। तो ये RPM आपका निकल गया कितना, 1000। तो 6 पोल का जो मोटर है उसका RPM होगा 1000, ये हो गया RPM, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पोल निकालना है तो RPM जरूरत है, और RPM निकालना है तो पोल रहना जरूरी है। तो इसी ये मेथड से आप लोग पोल या RPM कोई भी मोटर का निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।